नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो आज जो हम एक सुत्ता नहीं ले रहे हैं, अभी हमारे बंते विमल रमसी जी ने एट फोल्ड पाथ के लिए उन्होंने कुछ विवरण दिए हैं, तो मैं उनके जो प्रवचन है उसके हिसाब से जो विवरण है उसका मैं आपको बताऊंगा। एट फोल्ड पाथ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहला जो अष्टांग मार्ग जो बोलते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो जब पहला प्रवचन हुआ था तब पहले प्रवचन के अंदर धम्मचक्कप्पवत्तन सूत्र जो है वो सूत्र के अंदर एट फोल्ड पाथ का बताया गया था। एट फोल्ड पाथ का जो मतलब है, ये सारी चीज़ें जो है एक स्माइल में किस तरह से सम्मिलित होती है, और स्माइल जब करते हैं तब एक एक जो एट फोल्ड पाथ के जो है जो आठे अंग हैं, आप स्माइल के अंदर किस तरह से आप उसको पूरा करते हैं उसके बारे में हमारे बंदे जी ने बताया है। तो उस तरह से आज मैं वो सूत्र नहीं ले रहा हूँ, कल हम सूत्र के कुछ पार्ट लेंगे, एक या दो सूत्र के छोटे छोटे पार्ट्स लेंगे। तो आपको कल का जो है दिन हम ये जो हम आपको सिखा रहे हैं वो किस तरह से हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं, अपने लाइफ पे लेके जा सकते हैं, अपने घर पे लेके जा सकते हैं, अपने ऑफिस में लेके जा सकते हैं, उसके लिए हम ये करेंगे। सो पहले तो ये जो हमारे बंती जी कहते हैं कि बुद्ध द्वारा धम्म की अच्छी तरह से व्याख्या की गई है, ये तुरंत प्रभावी है, इसमें आने और देखने की का आमंत्रण है, जो यहाँ और अभी अंतिम मुक्ति की ओर ले जाता है। तो जब आप अपना एट फोल्ड पाथ फॉलो करते हैं, अष्टंगी का मार्ग फॉलो करते हैं, तो आप अपना मुक्ति के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, उस तरह से आप आगे चलते हैं। तो पहला आपका क्या है, सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि को हमारे बंती जी क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टिकोण। तो दृष्टि और दृष्टिकोण के अंदर थोड़ा ही फर्क है, मगर वो कहते हैं कि आपका दृष्टिकोण किस तरह से है उस तरह से आपका जो है सारा जो आपका प्रैक्टिस है आपके दृष्टिकोण के हिसाब से चालू होता है और बढ़ता है। तो सम्यक दृष्टिकोण क्या है, यहाँ ये अव्यक्तिगत दृष्टिकोण सुखी जीवन जीने के की एक प्रमुख कुंजी है। तो आप अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो अव्यक्तिगत आपका रहना चाहिए। अव्यक्तिगत का मतलब है सारी चीज़ों को आपको ईगो के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, ये मेरा है, ये मैं हूँ। तो आपका अव्यक्तिगत आपका ये रहेगा, दृष्टिकोण रहेगा, तो आपका सुखी जीवन हो आप जी सकते हैं। हल्का होना, इस मीन्स हल्का भी होना मीन्स इसका मतलब क्या है कि आप लाइट रहना चाहिए, आपको मीन्स आपको हर एक चीज़ बहुत ही सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मगर आप जो भी आता है हमारे मन के अंदर उसको हमें जानना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले, जाने दो और मुस्कुराओ। तो अभी क्या है, मुस्कुराने का मतलब क्या है कि हर एक चीज़ के ऊपर आप स्माइल करके हर एक चीज़ को आपको कहना है कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, क्योंकि ये आया है, ये पहले नहीं था, अभी ये आया है और अभी चले भी जाएगा। तो ये अव्यक्तिगत भी है, अनाथा भी है और अनिच्छा भी है, तो उस तरह से आप करते हैं। तो पहला है सम्मा दृष्टि, फिर दूसरा आता है सम्मा संकल्प। तो हमारे बंते जी कहते हैं सम्मा छवि। सम्मा का मतलब भी जो है ना अंग्रेजी के अंदर राइट करके लिखा है, मगर जो हमारा यहाँ सम्मा हम लोग जो समझते हैं, हम लोग हिंदी में समझते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है, के है ये जो है मध्यम है, मध्यम है। तो सम्मा मीन्स हम हारमोनियस करके हमारे बंते जी उसे इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए मैंने सम्मा का जो सम्मा ही रखा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हिंदी में समझते हैं कि सम्मा का अर्थ क्या है। सम्मा छवि, मुस्कुराते और हंसने की छवि ला रही है,
मीन्स आपको क्या करने का, अपना छवि क्या करने का, जो भी आप छवि के बारे में बात करते हैं, तो छवि क्या है? छवि ये चीज़ है कि जो आप अपने बारे में एक धारणा रखते हैं, एक छवि रखते हैं कि मैं खुशी खुश इंसान हूँ, या मैं एकदम दुखी इंसान हूँ, या मेरे साथ गलत ही होता है, या मेरे साथ अच्छा ही होता है, मैं बहुत ही क्या बोलते हैं लकी हूँ। वैसा जो आपका धारणा है, जो आपका वो बनाते हैं, छवि बनाते हैं, उसके हिसाब से आप जीवन जीते हैं। तो पहले क्या होता है, आपका दृष्टिकोण जिस तरह से है वो आपका छवि को प्रभावित करता है। आपका दृष्टिकोण अच्छा रहेगा तो क्या होगा, आपका छवि जो है उसके अंदर आपको असर आएगा। तो कौन सा छवि आपको रखना चाहिए, जो छवि जिस तरह रखना चाहिए वैसा है कि हंसने की छवि रखना चाहिए, जो दिमाग को हल्का करती है। तो हंसने की छवि आपको हर समय अपने पास रखनी चाहिए, और सचेतन को तेज करती हैं। तो क्या है, हम अभी हम मेडिटेशन में कहते हैं कि आपको रिलैक्स करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए और स्माइल करना चाहिए। तो किस लिए, क्योंकि सचेतन जो है आपका माइंडफुलनेस है, वो जो माइंडफुलनेस है अच्छा होता है जब आप इसे देखते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। आपका मन का जो अटेंशन है, ध्यान है, किस तरह से एक दूसरे से दूसरे जा रहा है, तो आपका सचेतन जो है ये हल्का होता है। चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि आप स्माइल करके हर एक चीज़ को अव्यक्तिगत तरीके से लेते हैं। यहाँ हितकर विचारों को प्रोत्साहित करना है, और हम हितकर विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। किस तरह होता है, हमारा मन भटकता है तो हम इसको जाने देते हैं, रिलैक्स करते हैं, स्माइल करते हैं, और हमारा जो कल्याण मित्र या जो हम मित्ता भेज रहे हैं या करुणा भेज रहे हैं या मुदिता या उपेक्षा, उसके ऊपर हमारा जो है ध्यान हम लेके आते हैं। सम्मा वाक, तो सम्मा वाक को सम्मा संचार कहते हैं, हारमोनियस कम्युनिकेशन। हारमोनियस कम्युनिकेशन क्या है कि हम जो है दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं और हम अपने आप से भी कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने आप से भी बात करते हैं और दूसरों से भी बात करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो क्या रहना चाहिए, हारमोनियस रहना चाहिए। हम अपने आप से जब बात करेंगे तो हमें अपने आप को भी ये नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने आप को भी ये करना नहीं चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप को आहत नहीं करना चाहिए, दूसरों को भी आहत नहीं करना चाहिए। तो दोनों जगह पे ये संचार चलता है। सफलता के लिए मुस्कुराना, हल्का हंसना, अभ्यास को हल्का रखना। तो इसके लिए क्या है कि आप क्या करते हैं अपना कम्युनिकेशन में, आपका कम्युनिकेशन हल्का रहेगा, मीन्स आप मुस्कुराएंगे, आप जो अभ्यास भी है उसको आप लाइटली लेंगे। यह अपने आप साथ संचार है, अपने आप साथ संचार है, मीन्स अपने आप जो अपने आप को आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो है जो इतना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हमारे मन और शरीर के साथ संचार। तो हम अपने मन के लिए, शरीर के लिए क्या करते हैं, हम लोग रिलैक्स करते हैं। जब भी हमारा मन इधर उधर जाता है तो हम क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करते हैं और वापस हमारे स्माइल करते हैं और वापस जाते हैं। तो स्माइल यहाँ पे भी आता है, स्माइल सारे जो चीज़ों का जो है जड़, आपका आप जो मूल बोल सकते हैं, जड़ नहीं मूल बोल सकते हैं, मूल से वहाँ से चालू होता है आपका। पहले क्या बताया गया था, आपका जो है सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाका और सम्मा जो है कम। तो ये क्या है कि आपका जो भी एक्शन है, इसको हम राइट एक्शन की तरह बोलते हैं अंग्रेजी में। सो हमारे बंती जी इस तरह से कहते हैं, हारमोनियस लाइफस्टाइल, सॉरी हारमोनियस एक्शन। हारमोनियस एक्शन क्या है, तो हारमोनियस मूवमेंट कहते हैं वो, हारमोनियस मूवमेंट। मूवमेंट क्या रहता है, हमारा जो सम्यक गतिविधि। तो हमारा मन का गतिविधि को आपको किस तरह से देखना है, कि मन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो दूसरी जगह से फिर से आपको किस तरह लगे, तो आपकी मन की गतिविधि को देखने का जो है ये कार्य आपको इसमें बताया गया है। का संबंध सचेतन से है, सचेतन का भी मतलब माइंडफुलनेस है आपका, जो आप सचेत होके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जब क्या इस जब भी आप कर रहे हैं मेडिटेशन, जैसे कि मन के ध्यान की गतिविधियों को याद रख कर देखना,
और अभी जब आप सचेतन के अंदर एक मेमोरी भी आता है, मेमोरी का मतलब है आपको याद रहना चाहिए कि आपका मन अगर भटकता है तो आपको क्या करना है, या आपका मन के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। फिर मन को अस्वस्थ मन स्थितियों से स्वस्थ मन स्थितियों के की ओर निर्देशित करने के लिए 6R का उपयोग करना, हल्का दिमाग रखे और जितना हो सके मुस्कुराते रहें। तो यहाँ पे भी मुस्कुराना आता है जब आप अपने मन का गतिविधियाँ देख रहे हैं, मीन्स आपका कार्य क्या है, आपका किस तरह से मूवमेंट होता है, या वो देखना है कि आपका मन इधर से उधर जाता है, उधर से इधर आता है, तो फिर हमको हंस के वापस लेके आना है, मुस्कुरा के आपको उसके अंदर आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, झटके से वापस नहीं आना है, आप पहले उसे जाने देते हैं, रिलैक्स करते हैं, स्माइल करते हैं, वापस आते हैं, तो उस तरह से आपको करना है। सो इसके बाद में है सम्यक जीविका। तो अभी हमारे बंते जी क्या बोलते हैं कि जीविका का अर्थ किस तरह से दिया गया है कि आपको जो पॉइजन नहीं बेचना चाहिए, आपको लाइव स्टॉक मीन्स जो जानवर है उसके अंदर आपको धंधा नहीं करना चाहिए, आपको अस्वस्थ में धंधा नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो हमारे बंते कहते हैं कि अगर जो जो भिक्खु है उनको ये सिखाया गया था, तो उसके ऊपर भी उसके ज़्यादा भी चीज़ें हैं इसके अंदर आती हैं, तो वो इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं सम्यक जीवन शैली। तो ये जो आपका नोबल ट्रुथ है वो है सम्यक जीवन शैली, किस तरह से आपका जीवन आप जी रहे हैं, आपका जीवन आपका डे टू डे जीवन में किस तरह से आप जी रहे हैं, ये आपके दैनिक जीवन के दौरान मुस्कुराने और धीरे से हंसने की नई आदत विकसित करने से संबंधित है। तो आपका जीवन के अंदर भी आपको मुस्कुराना चाहिए और आपका जो है हल्कापन रहना चाहिए, चीज़ों को अधिक आसानी से और बार बार कैसे जाने दे। सो मीन्स इसका क्या है कि कोई कोई आपका अवरोध आते रहते हैं आपके जीवन के अंदर, तो उसको फिर आपको पकड़े नहीं रहना है, चिपके नहीं रहना है, उसको फिर जाने देना है सारे। अगर समझो किसी ने कुछ गलत कह दिया, किसी ने शायद आपसे एक बुक लिया और वापस नहीं दिया, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम जमा करके रखते हैं और फिर उसके ऊपर हम सोचते रहते हैं और उसको हम ये करते रहते हैं, फिर और उसको तकलीफ़ में बदल देते, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें जीवन के अंदर आपका मुस्कुराना है और जाने देना चाहिए। और धैर्य की का विकास करना चाहिए। तो आपको जीवन के अंदर क्या है, आपका धैर्य का विकास होगा, आप लाइट रखेंगे, स्माइल रखेंगे, तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा होगा, तो आपका जो जीवन शैली है वो हल्की होगी और अच्छी आप तरह से जी सकते हैं। तो अभी इसके बाद में आता है सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम को हमारे मंत्री जी कहते हैं सम्यक अभ्यास के 4 चरण, सम्यक अभ्यास। तो आप अभी क्या कर रहे हैं, सब अभ्यास कर रहे हैं और हमारा और सही प्रयास जो है, जो हम क्या बोलते हैं 6R को बोलते हैं सही प्रयास, तो ये सही प्रयास जो है आप ये कर रहे हैं, तो इसे आपको जीवन के अंदर भी सही प्रयास से आपको करना है। मन को अशुभ विचारों में फंसा हुआ देखना, मीन्स आपका मन कोई गलत चीज़ों सोच रहा है, तो आपका आपको पहले रिकॉग्नाइज करना है या पहचानना है, महसूस करना देखना या महसूस करना, उस अकुशल विचारों को छोड़ देना। तो अभी क्या करते हैं, आप पहचानते हैं पहले और उसको छोड़ देते हैं, रिलीज करना, मुस्कुराना और हंसना। तो इसमें भी आपको मुस्कुराना है और फिर हंसना है, इस हल्के दिमाग को एक स्वस्थ वस्तु मीन्स मेत्ता पर लाना, मीन्स आपको वो चीज़ जाने देना जो अगर आई है, आपका अकुशल जो आपके विचार है वो अकुशल विचार को जाने देना है, फिर उसको मेत्ता पे लाना है, पर लाना मुस्कुराते हुए और हंसना, उस मेत्ता मुस्कान मेत्ता मुस्कान और हंसी को जारी रखना और
अव्यक्तिगत दृष्टिकोण को रखना। तो अभी आपका जो मेडिटेशन के अंदर आपको फिर से अव्यक्तिगत दृष्टिकोण रखना चाहिए, ये आपको फिर से कहा गया है। तो आपका जीवन के अंदर भी आप जब जीते हैं तो आप अगर हर चीज़ को पर्सनली लेते हैं, जैसे एक जो एक टीचर है उन्होंने ऐसा कहा था कि जब आपका बारिश भी होता है तो आप उसको भी व्यक्तिगत तरीके से लेते हैं कि ये बारिश क्यों हो रहा है, अभी मुझे बाहर जाना था तो बारिश के, तो बारिश से भी आप झगड़ा करते हैं। तो अगर जो चीज़ आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है तो उससे भी आप झगड़ा करते हैं, अगर ये गर्मी है तो गर्मी से झगड़ा करते हैं। तो हर एक चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, हर एक चीज़ को जाने देना। आपको समझना है कि जो चीज़ हमारे इसमें है, कंट्रोल में है, हम कंट्रोल करेंगे, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है नहीं करेंगे। एक अल्कोहलिक अनोनिमस करके है, जो 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 आपका रहता है, जो क्या बोलते हैं, एडिक्शन व्यसन जो लोगों को रहता है, वहाँ पे वो लोग सिखाते हैं कि किस तरह से व्यसन मुक्त होना है। सो वो लोग का एक प्रेयर है, उसके अंदर क्या कहते हैं कि मुझे जो भी चीज़ मेरे कंट्रोल में है मैं उसको कंट्रोल कर सकूँ, और जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मीन्स उसको स्वीकार सकूँ, जो चीज़ मेरे अधीन नहीं है वो चीज़ मैं स्वीकारूँ, और मुझे इसका पण्य मिले, मीन्स उसका ज्ञान मिले कि क्या चीज़ मेरे अधीन है और क्या चीज़ मेरे अधीन नहीं है। तो बुद्ध जो है जो शिक्षा देते हैं वो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं कि जो चीज़ आपके अधीन है और जो चीज़ नहीं अधीन है। तो ये जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपके अधीन है और क्या चीज़ अधीन नहीं है। ओके, आपका जो विचार आता है बार बार वो आपके अधीन नहीं, आप जान गए होंगे, 8 दिन तो आपने किया है, 9 दिन हो गया ना, अभी तो 8 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 8 दिन खत्म हुए। तो 8 दिन के अंदर आपको इतना तो पता चला होगा कि मेरे विचार मेरे कंट्रोल में है। फिर क्या आपके कंट्रोल में है? आपका ध्यान। तो आपका ध्यान अगर भटकता है तो आप वो अपना ध्यान अपने वापस लेके आ सकते हैं। तो आपको जो विचारों जो आपको कंट्रोल में नहीं उससे झगड़ा नहीं करना है, मगर जो ध्यान आपके कंट्रोल में है फिर उसको भी आपको छोड़ नहीं देना है। अगर कोई विचार आ गया है तो आपको उसके साथ में बह नहीं जाना है, अभी मुझे ये करना है तो मैं करता हूँ, ये उस तरह से आप बह जाते हैं विचारों में। आपको विचारों के साथ में आपको ये पता चलना चाहिए क्या व्यक्तिगत है और क्या अव्यक्तिगत है। तो अव्यक्तिगत चीज़ों को तरीके से हमें लेना चाहिए। फिर है सम्यक स्मृति, सम्यक निगरानी या सम्यक सचेतन, इस तरह से हमारे बंदे जी कहते हैं, सम्यक निगरानी है, सम्यक या ऑब्जर्वेशन, हार्मोनियस ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का आप समझते हैं ना, कोई चीज़ को किस तरह से आप निगरानी करते हैं या देखते हैं। तो आपका ये मेडिटेशन के अंदर आपको, हम मैंने बार बार कहा है कि आपको किस तरह से आपको करना है मेडिटेशन, कि आप एक श्रोता है, एक ऑब्जर्वर है। ओके, तो ऑब्जर्वर की तरह आपको देखना है कि किस तरह से आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो हो रहा है उस हिसाब से आपको करना है, उसके साथ में इन्वॉल्व नहीं होना है उसको। अगर कोई आपका मन आपका बहुत ही विचलित है तो आपको वो सिर्फ देखना है कि मन विचलित है, उसके साथ में विचलित नहीं हो जाना है। तो उस तरह से आपको एक किस तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षक, निरीक्षण करने के क्षमता, तो मीन्स आप किस तरह से उसे देखते हैं, आपके मन में जो उठ रहा है वो क्या किस तरह देखते हैं। जब मन हल्का हो और मुस्कुरा रहा हो, यह भारी गंभीर हो और नीचे खींचा खींच लिया गया हो, जाने दो और मुस्कुराओ। तो आपको देखना है कि मन मेरा भारी है या मेरा मन हल्का है। अगर मन भारी है तो आपको क्या करना है, उसे जाने देना है और मुस्कुराना है। तो उस तरह से आपको आपका जो निरीक्षण है आपका मन का, हर समय आपको इस तरह से निरीक्षण करना है। सम्मा समाधि, तो इसको हमारे बंती जी कहते हैं सम्यक एकाग्रता। समाधि का मतलब यहाँ पे भी इंडिया में भी बहुत बार है ना, ये गलत इसका क्या हो गया है, गलत अर्थ निकाला दिया गया है। समाधि का मतलब है किसी चीज़ में पूरी तरह से तल्लीन हो जाना। जब आप समाधि के स्थिति में रहते हैं तो वो उसे अंग्रेजी में 1-pointed कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो अगर आपका मन जो है पूरी तरह से एक चीज़ के अंदर तल्लीन हो जाता है तो आपका मन हिलता नहीं है वहाँ पे, और मन बहुत ही स्थिर हो जाता है।
मगर ये मनस्थिति जो है बहुत ही आपका पावरफुल है और आपको बहुत ही जो है सुखदायी आपको लगेगा ये स्थिति। मगर ये स्थिति के अंदर आप क्या हो रहा है वहाँ पे आप नहीं देख सकेंगे। आपको क्या देखना है कि आपका मन किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और किस तरह से ये चीज़ अव्यक्तिगत है, तो ये चीज़ आप देख नहीं पाएंगे। तो इसी हिसाब से हमारे बंते जी क्या कहते हैं कि आपका जो मन का जो एकाग्रता है वो आपका जो आपको मदद कर सके आपको देखने में उतना रहना चाहिए। अगर जरा भी एकाग्रता नहीं तो मन इधर से उधर जाएगा और फिर अगर आपका कोई ये आ जाता है, विचार आता है, तो आप विचार के साथ में चले जाएगा क्योंकि आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसको ठहरा नहीं सकते। तो उस हिसाब से आपको मन का ये समझना है कि किस तरह से मन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो आपको पूरी तरह से ये समाधि में नहीं जाना है, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन में जाना है। इसलिए उन्होंने अलग शब्द इस्तेमाल किया है, वो है कलेक्टेडनेस अंग्रेजी में, तो उसका बर एकाग्रता आता है। तो अभ्यास के हल्के रख कर एकत्रीकरण, एकत्रीकरण मीन्स आपका सारे जो पावर है ऑब्जर्वेशन पावर एक साथ में आए। प्रकाश एकाग्रता या एकीकृत दिमाग का एक सटीक स्तर, सटीक स्तर किस लिए के आपको जितना जरूरी है उतना ही आपको एकाग्रता रखना है। तो सिस्टर खेमा जो है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्टिव क्या होता है, जो आपको उपयोगी है, उपयोगी जितना है उतना ही आपको एकाग्रता की जरूरत है। अगर ज़्यादा एकाग्रता रहेगी तो आपका मन बहुत स्थिर रहेगा मगर आप उसको मन के अंदर क्या हो रहा है वो देख नहीं सकते। और कम एकाग्रता रहेगी तो आप मन को स्थिर इतना नहीं रख सकेंगे कि देखने के लिए क्या हो रहा है, फिर मन इधर से उधर भटकेगा। तो आपको दोनों चीज़ों का आपको साथ में जो है आपको डेवलप करना है। मन सतर्क शांत और सचेत है, बिना किसी गड़बड़ी या भारीपन के, पल में पूरी तरह से सक्षम। यहाँ जागरूकता का साथ ज़्यादा आसान का और आपको मुस्कुराना है और हंसना है। जागरूकता को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं और आप हंसते हैं। तो आपका जागरूकता के लिए मैंने बहुत बार कहा कि क्योंकि आपका आप मुस्कुराते हैं तो आपका मन हल्का होता है, तो आपका जो देखने का जो स्थिति है वो और अच्छा होता है। तो आप अगर वो अच्छी तरह से देख सकेंगे तो आपको पता चलेगा मन कहाँ से कहाँ जा रहा है और आप मन के साथ बह नहीं जाएंगे। आपको मन जो है आपका जो मालिक बन जाता है, मगर आपको मन का मालिक बनना है। आप मन का मालिक बनना मीन्स आपको वो जो बुद्ध बोलते हैं जो आई ऑफ विजडम, सो पन्या की आंखों से आपको देखना है सारी चीज़ें। आप अपना ईगो से देखेंगे सारी चीज़ें तो हर एक चीज़ अपनी लगेगी क्योंकि आप हर एक चीज़ में चिपकाव पैदा करता है ईगो, ये मेरा है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है और ये मैं ऐसा हूँ। उसके अंदर दो फर्क है, उसके अंदर क्या फर्क है कि आपका कंट्रोल कहाँ पे है। अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ, अभी क्या कर सकते हैं, मगर मेरे अंदर इस तरह से घट रहा है तो आप ये जो घट रहा है उसको समझ के उसको साथ में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो हमारे शिष्य खेमा जी कहते हैं कि रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। रिएक्शन मीन्स आप कोई भी चीज़ होता है तो आप उस तरह से आप अगर एक तरीके से कुछ होता है तो आप दूसरी तरीके से आप तुरंत आप व्यवहार करते हैं। और रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है, अगर एक कुछ होता है तो आप उसको सोचते हैं, समझते हैं और उस हिसाब से बराबर से उसका जो उचित है उचित कार्य करते हैं। तो जब आप रिएक्शन करते हैं आपका कोई इसके अंदर आपका ये नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता। आप जब रिस्पॉन्ड करते हैं उचित रूप से, आप उसका उसके साथ में आप व्यवहार करते हैं, तब आपका कंट्रोल में रहता है। अगर आपके कंट्रोल में रहेगा तो आप जो भी करेंगे, जो आपको कहा जा रहा है वो आप सुन नहीं सकेंगे, जो आपका ये रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे।
तो ये सारा चीज क्यों होता है? क्योंकि आपका मन को ही आप समझते नहीं है कि किस तरह से मन कार्य कर रहा है, आपको मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं उसको कब आपको शिक्षार करना है, कब नहीं करना है शिक्षार, कब किस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, आपको उसके ऊपर आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका एकाग्रता है कहाँ पे डालना है उसको पता ही नहीं चलेगा जब तक आपका मन का जो है संतुलन आप बना लेते हैं। तो समता भी रहना चाहिए और विपसना भी रहे। अगर समता ही है सिर्फ तो विपसना पॉसिबल नहीं है। अगर विपसना आप करने जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, विपसना करके भी आप निपाना का पहुंच सकते हैं, मगर सिर्फ विपसना करने जाएंगे तो आपका समता ही नहीं है, तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे। तो विपसना के साथ में आपको समता भी चाहिए, समता और विपसना दोनों रहेगी तो आप ये सही रहेगा। सुप्त में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे भिक्षु है जो जिसने पहले समता को पूरी तरह से किया और उसने बाद में विपसना किया, किसी ने विपसना पहले किया और उसने समता बाद में डेवलप की, मगर ये दोनों चीज की जरूरत रहती है, समता और विपसना। और एक जगह पे बुद्ध कहते हैं सुत्ता के अंदर जो वो सिखा रहे हैं वो एक बैलगाड़ी के जैसा उदाहरण देते हैं कि किस तरह से दोनों चीज का जरूरत है। समझो एक बैलगाड़ी है, एक बैल और दूसरा बैल, यहाँ पे एक बैलगाड़ी सीधी जा रही है, मगर ऐसा हो कि एक बैल बहुत ही स्ट्रांग हो और वो इस तरह जाए और ये बैल भी उसको इस तरह जाएगी, तो आपका जो है सीधी लाइन में नहीं जा सकता क्योंकि जो बैल स्ट्रांग है उस तरफ से झुक जाएगा जो बैलगाड़ी। अगर समझो दोनों बैल स्ट्रांग है तो फिर वो सीधे रास्ते से चल सकती है। तो इस तरह से समता और विपसना का दोनों का जरूरत रहता है और ये जो है एकाग्रता का भी जरूरत रहता है। फिर एक दूसरा सूत्र है उसके अंदर आपको इस तरह से बुद्ध बताते हैं कि जब आपके पास में सम्मा दृष्टि रहती है तो सम्मा संकल्प अपने आप डेवलप होता है, क्योंकि आपका आपका जो सम्यक दृष्टिकोण है, सम्यक दृष्टिकोण है तो सम्यक छवि जो है आप पैदा कर सकते हैं। जब आपके पास सम्यक छवि रहता है तो सम्यक आचार आप कर सकते हैं। जैसे आपका छवि है कि आप जो भी आप शील लेते हो वो पालन करते हैं, आपका छवि वो बनता है। पहले आपका वो छवि रहेगा तो आप उसके ऊपर पालन कर सकेंगे, आपका शील का पालन कर सकेंगे, तो आपका जो संचार है वो अच्छा होगा, आपका जिस तरह से आप बात करेंगे उसके बारे में, शील के बारे में वो अच्छा होगा। जब आप सम्यक संचार अच्छा रहेगा तो सम्यक गतिविधि जो है वो आप आराम से देख सकेंगे, क्योंकि आपने आपको ये पता है किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका मन किस तरह जा रहा है। तो अगर सम्यक गतिविधि आप बराबर से देखते हैं तो सम्यक जीवन शैली आप पाल सकते हैं। अगर आपके पास सम्यक जीवन शैली है तो सिर्फ फिर सम्यक अभ्यास आप कर सकते हैं। जब आप सम्यक अभ्यास करते हैं तो सम्यक निगरानी आपको बराबर से होगी, सम्यक सचेतन आपका रहेगा। जब सम्यक सचेतन रहेगा तब आप सम्यक एकाग्रता कर सकते हैं। तो उस तरह से क्या होता है कि एक चीज दूसरे चीज से मिलके आपको आगे बढ़ती है। तो वो आपको कल एग्जाम्पल दिया गया था कि जिस तरह से अगर आपका माउंटेन के अंदर बारिश हुआ, तो माउंटेन के अंदर बारिश होगा तो फिर नीचे जो नदी नाले भरेंगे, फिर उसके साथ में फिर समझो नदी में गया, नदी में जाते तालाब में गया, तालाब उभरता है तो तालाब के पानी क्या होता है फिर एक नदी में आता है, नदी का पानी फिर महासागर में जाता है, उस तरह से महासागर भर जाता है। तो इस तरह से आप अगर एक चीज का अगर आप पालन करते हैं तो उसके साथ में जैसे सम्यक दृष्टि का पालन करते हैं तो सम्यक संकल्प हो जाता है, सम्यक संकल्प होता है तो सम्यक वाका मीन्स वाचा जो आप वाक्य बोलते हैं वो पूर्ण होता है, सम्यक वाक्य पूरा होता है तो वाचा पूरा होता है तो सम्यक कम पूरा होता है, सम्यक कम पूरा होता है तो सम्यक जीविका पूरा होता है, जब सम्यक जीविका पूरा होता है तो सम्यक व्यायाम पूरा होता है, जब सम्यक व्यायाम पूरा होता है तो सम्यक स्मृति पूरी होती है, जब सम्यक स्मृति पूरी होती है तो सम्यक समाधि पूरी होती है। तो उस तरह से आपका एक चीज आप अगर बराबर करते हैं तो दूसरी चीज और दूसरी चीज पूरी होके तीसरी चीज, उस तरह से सारा जो अष्टांगी का मार्ग है वो आपका पूर्ण होता है। जब आप कहते हैं कि आपका अष्टांगी का मार्ग पूरा हुआ है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि आप जो है निब्बाना तक पहुंच गए, क्योंकि आपने पूरा जो इसका कार्य है, आपका मन का कार्य है किस तरह से हो रहा है,
किस तरह से उत्पन्न हो रहा है, किस तरह से व्यय हो रहा है आपका मन, वो आप समझ जाते हैं। जब आप वो समझ जाते हैं धीरे धीरे आपका कार्य आपका आगे बढ़ता है। तो ये चार चरणों में होता है, उसके दो पार्ट रहते हैं। एक रहता है आप पथ लेते हैं, आपको मिलता है मार्ग मिलता है, और फिर है फल मिलता है उसका। तो मार्ग और फल का आपको मिलता है, तो आप सोतापन्ना बनते हैं, मार्ग और फल मिलता है, फिर आपका सकदागामी का मार्ग और फल मिलता है, फिर अनागामी का मार्ग और फल मिलता है, फिर अरहंत का मार्ग और फल मिलता है। तो उस तरह से आपको ये पूरा जो है मार्ग एक से दूसरे में आपको जाता है। अगर आप सोतापन्ना मार्ग और फल लिया तो आपको सकदागामी तो होना ही है, फिर आपका अनागामी हो जाएंगे और अरहंत भी हो जाएंगे। किस तरह से आपका जो ये संसार का जो चक्र है उससे आप बाहर निकलते हैं। और आपका जो ये प्रैक्टिकल जो अभी बताया है, तो मुस्कुराने से आप पूरा अष्टांगिका का मार्ग आप जो है पूरा कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी ना करें मगर आप घर पे जाए और आप सिर्फ स्माइलिंग को आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बनाएं, तो भी आप पूरी तरह से एट फोल्ड पाथ कर रहे हैं। तो अगर आप ये स्माइलिंग करेंगे अपने घर के अंदर, कुछ भी काम करते हुए, साफ करते हुए, स्टडी करते हुए, या कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो आप अपना जो है मन का जो जिस तरह चल रहा है, और सही प्रयास आपको पता है, आपका मन भटकता है तो क्या करेंगे, आपको पहचानना है, जाने देना है, रिलैक्स करना है, स्माइल करके वापस आ जाना है। ये इतना ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो अगर समझो अरूपा जाना में है उसको तो सिर्फ अगर आप वो रिकॉग्नाइज करता है तभी आप रिलैक्स हो जाता है और स्माइल आपके आ जाता है। तो उसको इतना एक सेकंड का भी समय नहीं लगता है। तो ये आपको कहना नहीं है, आपको करना है। तो अगर जैसे जैसे आप बार बार करेंगे तो आपको और अच्छा रहेगा। एक उदाहरण है, हमारे बंते जी ने जब मलेशिया में थे तब उन्होंने कुछ लोगों को ये शिक्षा दी कि आप पूरा दिन ये आप स्माइलिंग करेंगे, स्माइल आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन रहेगा। तो पूरा दिन उन्होंने क्या किया, उनके स्टूडेंट्स ने स्माइल करने की कोशिश की। तो कुछ लोग जो है समझो 15 मिनट कर सके दिन के, कुछ लोग आधा घंटा कर सके, कुछ लोग 1 घंटा कर सके, कुछ लोग 2 घंटा कर सके। मगर जब वो लोगों ने वापस आए और शाम का मेडिटेशन किया तो उन सब का मेडिटेशन सुधरा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको कहा जाए कि आप स्माइल करना है तो आप पूरा 24 घंटा स्माइल कर पाएंगे, यहाँ पे भी आपका नहीं होता है 24 घंटा स्माइल। तो आप अगर घर पे भी जाएंगे तो आप भूल जाएंगे पहले पहले, मगर अगर धीरे 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 आप अभ्यास करेंगे तो फिर क्या होगा, वो आपका टाइम बढ़ते जाएगा। समझो पहले दिन आपने 15 मिनट स्माइल किया, आपको 3 बार याद आया, सुबह याद आया आपने स्माइल किया, नाश्ता करते करते भूल गए, फिर आपको लंच में याद आया, अरे मेरे को स्माइल करना का था, तो आप पूरे फिर से स्माइल गया, फिर आपने भूल गया, फिर आपको डिनर में याद आया मुझे स्माइल करना था, 5 मिनट वो स्माइल किया, मगर ये पहला दिन रहेगा। फिर नेक्स्ट दिन क्या होगा, ये आपको और 4 दिन पर समझ में आएगा, और आपका धीरे धीरे आपका इस तरह से बढ़ता है। जैसे एक वृक्ष बढ़ता है, वो एक साथ में नहीं बढ़ता है, मगर धीरे धीरे वो बढ़ता है, मगर वो अगर आपने बराबर किया तो 6 महीने के बाद देखेंगे तो इतना बढ़ जाएगा। इसलिए इस तरह से बुद्ध भी कहते हैं ना कि जैसे आपका रंधा है, आप 6 महीना इस्तेमाल करते हैं तो आपका हाथों का वहाँ पे ग्रिप आ जाता है, तो वो आपका कब आया, कैसे आया, वो आपको पता नहीं चलेगा, मगर एक दिन आप देखेंगे हाथों का ग्रिप है। इस तरह से आप अगर रोज अभ्यास करेंगे तो आपको एक दिन देखेंगे आपका मन का जो कार्य करने का जो तरीका है वो बदल चुका है, और आपका जो साथी रहेंगे, आपके आजू बाजू के लोग रहेंगे, वो बोलेंगे आपके अंदर कुछ बदलाव आया है। अगर आपके अंदर कोई बदलाव आता है तभी ये कारगर है और यूज़फुल है। अगर आपके अंदर बदलाव आप नहीं लेके आ सकते हैं तो ये करना कोई आपको काम का नहीं है। तो आपको अपना ये जो शिक्षा बुद्ध ने दी है वो आपको फॉलो करना है और आपका जीवन के अंदर उसको लेके आना है। अगर आप जीवन में लेके आएंगे तभी आपको ये पूरी तरह से कारगर होगा। तो ये अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। साधु साधु।